का ब्लॉग घर से स्टार्ट है और हम पार्किंग जा रहे हैं और पार्किंग में पहुँच के पिकअप लोकेशन में जाएंगे, जहाँ जाना है वही बताएंगे आपको। ठीक है, वेट करें। ये हम पिकअप पॉइंट पर पहुँच चुके हैं, यहाँ हमारी गाड़ी लोड हो रही है। यहाँ से हम जाएंगे जगतपुर से सोनीपत, सोनीपत जाना है हमें, रही इंडस्ट्रियल एरिया। ये गाड़ी खड़ी है, यहाँ से लोड हो रहा है, अभी लोड हो चुकी है गाड़ी। अब निकल रहे हैं हम जगतपुरी से रही। गाड़ी लोड करके निकल चुके हैं सोनीपत हरियाणा रही सेक्टर 38। इधर माल रोड के लिए जाएंगे, लेफ्ट में सीधा फ्लाईओवर पर चढ़ने पे जाएंगे शास्त्री पर। मेरा फ्लाईओवर ये है सामने बोनी स्ट्री। ये सीधा चंडीगढ़ का मखाड़े वाला रोड है। ये सीएनजी पंप है, यहाँ गैस भरी जाती है पूरी, बहुत बड़ा पंप है। ये दो है, ये सीधा रोड बाईपास जा रहा है। आगे से हम फिर यूटर मार के सोनीपत के लिए निकलेंगे। जाम से निकल गए हैं आजादपुर वाला फ्लाईओवर, देख सकते हैं आप। ये आ रहा है सीधा मॉडल टाउन, ये जा रहा बाईपास। अलस्वा जाम अलस्वा में भी है लगा हुआ। बाईपास रेल ड्राइविंग सेफ ड्राइविंग नरेला रोड स्वरूप नगर अलस्वा। इधर से रास्ता है डेढ़ा कलान जाने का, अलीपुर से लखाड़ा है, उसी का रास्ता नरेला जा रहा है। यहाँ नहीं ट्रेन देखिए इतना सारा जाम लगा पड़ा है, पूरा जाम बहुत लंबा जाम है। फिलहाल तो ये अब सीधा हमें जाना है, इसी रास्ते पे अलीपुर नरेला कुंडली सब पड़ेगा। ऑन द वे रोड़ी
लंबे चौड़े फार्म हाउस बने हुए इधर। नरेला जाने के लिए इन्होंने फ्लाई ओवर बना दिया है, अब जाम सब ये फ्लाई ओवर बनाया है, नीचे से नीचे से जाओ ये ऊपर से जाओ फिर कोई जाम नहीं मिलेगा। शनि मंदिर, जय हो शनि, जय बन रहा है, उसका निर्माण कार्य चल रहा है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी काम चल रहा है। ये अलीपुर है, टावर कैसे बना हुआ है, टेढ़ा बिल्कुल सपोर्ट। ड्राइवर चालू हो जाएगा तब जाम खत्म, अभी जाम है थोड़ा बहुत, चलते हैं आप। यहाँ से है 26 किलोमीटर, पानीपत 68, सिंधु बॉर्डर 4 किलोमीटर। ड्राइवर और बनाया इन्होंने नरेला पार करने, इसके पार करने का नरेला पड़ेगा। नरेला से नीचे जाएंगे, नरेला की मार्बल मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, दिख रही होगी आपको। ये सीधा फोनी पत्र निकलेगा, फोनी पत्र जाने के लिए नया फ्लाईओवर बन गया उत्कल रोड, यहाँ पर उन्होंने ऊपर बनाया है, ये सीधा सोनी पत निकलेगा। सोनीपत में एंट्री हो गई, यहाँ से 9 किलोमीटर दिखा रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है, बस 9-10 किलोमीटर है। ये यहाँ भी फ्लाई ओवर उन्होंने बना दिया है, नए निर्माण नितिन गडकरी जी ने हर जगह फ्लाई ओवर ही फ्लाई ओवर बना, बहुत सुविधा हो गई है। जाम बहुत लगता था यहाँ, जाम सब खत्म हो गया। वेस्टर्न पेरिफेर एक्सप्रेसवे के लिए लेफ्ट है, पानीपत के लिए सीधा, जलंधर के लिए सीधा, हमें यहाँ से जाना है 5 किलोमीटर दूर। यहाँ से ढाबे सारे स्टार्ट हो गए हैं, ये आ गया रसोई ढाबा, बहुत बड़ा ही ढाबा लग रहा है, भी काफी ब्रांच होंगे इसमें। अंबाला पानीपत सीधा सीधा यार, ये एक्सप्रेस वे इन्होंने बनाया है, नोएडा फरीदाबाद पलवल के लिए इधर जा सकते हैं, सहारनपुर भी है, चंडीगढ़ भी।
आगे से लेफ्ट होना है हमें, 1.5 किलोमीटर है यहाँ से। ये अब यहाँ से लेफ्ट होंगे, यहाँ से लेफ्ट हो गए, अब स्ट्रेट जाना है, सीधा टक्कर पे जाना है, आगे से फिर राइट होंगे। यहाँ से राइट 100 मीटर दूर आगे जाके लेफ्ट होगा, स्ट्रेट जाना है सीधा। राइट होना यहाँ से, यहाँ से राइट के देख के फिर आगे से लेफ्ट, आगे से लेफ्ट पहुँच गए। यही हमारी गाड़ी खाली होगी और अभी गाड़ी, ये खड़ी हमारी अभी खाली होते हुए दिखाएंगे आपको, अभी लंच चल रहा है ना, इस चक्कर में अभी खाली नहीं करेंगे। 20 मिनट का है रिकमेंड करने के लिए, 20 मिनट बाद खाली होगी, इसके बाद तो आपको दिखाएंगे खाली होते हुए। देख सकते हैं हमारी गाड़ी खाली होने जा रही है, लग गई है पॉइंट पर, ये लेबर है। हेलो ऑफिस में चलिए अब गाड़ी खाली करवाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कोई भी नहीं हुई। हाईवे पे आ गए, कोई पता नहीं, कोई काम नहीं है, हम जा रहे हैं नरेला, नरेला से कोई मिलेगा खाना तो चाहिए, कोई काम नहीं। नरेला में अभी कोई ऑर्डर नहीं बजा है और वेट कर रहे हैं, आ जाएगा तो ठीक ही है, वरना देखेंगे ऐसा भी होगा आपको पता चल जाएगा। फिलहाल अभी हम नरेला बैठे हैं, ये आपका बाईपास से लट करके जो भी बस से पहले पड़ता है, दिखाता हूँ आपको। ये हमारी गाड़ी भी खड़ी हुई है सामने, वेट कर रहे हैं काम का, आता है तो ठीक ही है। पर ये देखो सामने फ्लाईओवर दिख रहा होगा आपको, दिखाता हूँ मैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखो सामने फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर है, यहाँ से ही हमें निकलना है। और ये हमारी गाड़ी भी खड़ी है सामने, ये देखो जी सामने खड़ी है बिल्कुल। अभी ऑर्डर आता है तो जाते हैं, फिलहाल तो कोई ऑर्डर आया नहीं है, वेट कर रहे हैं। पूरा गाँव है बरेला में, शाम दिल्ली राम स्टेशन।
टेम्परेचर भी। हम पार्किंग में आ चुके हैं। अब ऑर्डर आज बजा नहीं है, आज काम हल्का था थोड़ा सा, इस चक्कर में वापसी का कोई चक्कर मिला नहीं है। आ चुके हैं, देख सकते हैं पार्किंग के अंदर, और बैठे हुए हैं अभी, और बहुत गाड़ियाँ खड़ी हैं, हमारी भी खड़ी है पार्किंग में लगी हुई है सारी गाड़ियाँ, और ठीक है कोई बात नहीं, होता है कभी का चक्कर ना मिलता है नहीं मिलता। अब पार्किंग से जाएंगे जिम, जिम में करेंगे एक्सरसाइज वर्कआउट, और उसके बाद फिर जाएंगे कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद आपका घर पे हम जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉग आपको अगले दिन मिलेगा, आगे दिन वाला ब्लॉग। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, आगे अच्छे अच्छे वीडियो आपको दिखाते रहेंगे, और दिल्ली एनसीआर में जो भी हमारा काम है उसके ज़रिए आपको हम हर जगह की जानकारी देते रहेंगे, कहाँ क्या कैसे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कितनी देर लगती है पहुँचने में, जो भी है तब आपको दिखाया जाएगा आगे ब्लॉग में। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।